नमस्ते, मैं हूं प्रवीण सोनी। आरपीटीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आरपीटीवी न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट और खबरें देखने के लिए लाल रंग का सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए और वहीं पास ही में बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। देखते हैं, भिवानी जिले के सिंधवा तहसील के वरला थाना अंतर्गत ग्राम उमटी में अवैध हथियार बनाने का कारखाना पकड़ा। एसडीओपी सिंधवा ने सिंधवा शहर पुलिस के साथ की छापेमार कार्यवाही। दो आरोपी पुलिस की हिरासत में एक पिस्टल 9 अम और 2 राउंड के साथ पकड़े जाने के बाद बताए अड्डे पर की गई कार्यवाही। वरला थाना अंतर्गत ग्राम उमटी में दी गई दबिश पुलिस को मिली सफलता। रंजन गांव के जंगल में पकड़ा हथियार बनाने का जखीरा। एसडीओपी तरुणेंद्र सिंह बघेल, शहर थाना प्रभारी टीएस डावर ने किया मामले में खुलासा। क्या कार्रवाई की गई? जिला पुलिस अधीक्षक श्री डी आर तेनिवार द्वारा पूरे बड़वानी जिले में अवैध शस्त्रों के धर पकड़ एवं कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया और इसमें कार्रवाई भी की, पूर्व में कार्रवाई भी की गई है। कल मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना प्रभारी सहायक तूर सिंह डावर एवं उनकी टीम को बड़ला रोड में लगाया गया था, जहां पर खुरमाबाद का सोहन मिला, जिसके पास से एक पिस्टल और सोहन के ही बताने पर उमरटी का सुरजीत, इसके पास से एक पिस्टल मिला और दोनों के विरुद्ध 25-27 आर शर्ट की कार्रवाई की गई। और जैसे ही इनसे पूछताछ की गई कि ये कहाँ बनाते हो, तो उसने राजन गांव के जंगल में उमरटी के पास है वहाँ पर बताया कि वहाँ पर मैं बनाता हूँ। और पुलिस टीम द्वारा वहाँ जाके आरोपियों के निशानदेही पर सर्चिंग कार्रवाई की, जहाँ पर एक अवैध अधबनी पिस्टल, एक 315 बोर का कंट्री मेड कट्टा एवं हथियार बनाने के सभी सामान उपकरण वहाँ पर मिले, जिन्हें जब्त किया गया एवं प्रकरण में धारा 5 एवं 7 जो अवैध का कारखाना अवैध हथियार बनाने का के संबंध में है बढ़ाई गई है, दोनों का पुलिस रिमांड लिया जा रहा है। और कि इनके और सोर्सेस क्या हैं और ये कहाँ कहाँ इन्होंने कट्टे बेचे हैं, इसके संबंध में पुलिस रिमांड लिया जा रहा है। सर, ये कट्टे लेकर आ रहे थे, ये किसी को बेचने आ रहे थे क्या? ये इसके बारे में पूछताछ की जा रही है, निश्चित रूप से वो बेचने ही जा रहे हैं। इन दोनों के कोई आपराधिक रिकॉर्ड सर? इसके बारे में बरला एवं सेरवा ग्रामीण से कॉन्टेक्ट किया गया है और रिकॉर्ड छाटा जा रहा है। ये उमरटी निवासी है? एक उमरटी का है, सुरजीत उमरटी का है और सोहन खुरमाबाद का। इन आरोपियों का संबंध अभी पंजाब और हरियाणा के जो आरोपी पकड़े गए थे, इस कार्रवाई से उसका कोई संबंध है? चूँकि उमरटी से खरीदना बताया था और उमरटी में ही एक व्यक्ति का नाम सामने आया था और उसी के तहत पुलिस लगी हुई थी जो ये कारखाना पकड़ा गया। सर, पंजाब और हरियाणा के लोगों ने जिस उमरटी में किस आरोपी से हथियार खरीदे थे, इस संबंध में उन्होंने किसी का नाम लिया है जो विवेचना का विषय है और विवेचना में ही उसको रहने दिया जाए तो अच्छा। उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई।